सेपरेटिंग सॉलिड्स यूजिंग सब्लिमेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जी। हमारे पास ये जो सब्लिमेशन है, बेसिकली अगर हम इसके वर्डली मीनिंग की तरफ जाएं तो ये हमारे पास एक लैटिन का वर्ड होता है, ठीक है। लैटिन यहाँ पर हम लिखते हैं जी वर्ड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? गो टू द हायर स्टेट, ठीक है। हायर स्टेट की तरफ जाना, यानी कि अगर हम केमिकल्स की बात करें या हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री के अंदर चूंकि बात कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं हायर स्टेट्स किस तरह से होगी? यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी गो टू द हायर स्टेट, ठीक है। गो टू द हायर स्टेट। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो स्टेट होती है उसको हम क्या कहते हैं जी? हमारे पास लेट सपोज हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी हायर स्टेट, ठीक है। उसके बाद हम सॉलिड की एग्जांपल लेकर इस बात को समझते हैं, हायर स्टेट। अब सॉलिड है हमारे पास, ठीक है। सॉलिड सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? इस तरह से होता है कि हमारे पास उसके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स या एटम्स वगैरह जो होते हैं सॉलिड्स में, जो भी हमारे पास मौजूद है लेट सपोज, ठीक है, वो बहुत ही करीब करीब होते हैं, एक दूसरे के धसे हुए होते हैं, उनमें कोई स्पेस नहीं होती। लेकिन अगर हम हायर स्टेट की तरफ बात करें तो हम कहते हैं कि जैसे ही हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये अपने एक हायर स्टेट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी नीचे, लेट सपोज हमने यहाँ पर क्या दिया, हीट दी है, ठीक है। तो ये हायर स्टेट की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है? हमारे पास है जी लिक्विड, ठीक है। लिक्विड हमारे पास कब आती है? क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा ले लेती है और काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है? मैं लिखती हूँ लो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने के ई लिख दिया। हरकत की कुवत जो होती है, जो मूवमेंट के लिए एनर्जी होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि लिक्विड की जो होती है वो इससे जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। हाई मैं लिखती हूँ, हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब हम कहते हैं हम बात करते हैं किसकी जी? हम गैस की बात करते हैं, ठीक है, वेपर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास और ज्यादा एनर्जी हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो है इसकी गैस, मैं लिख देती हूँ स्टेट्स। अब ये डिफरेंट स्टेट्स हम बेसिकली कर रहे हैं ना, तो सॉलिड जो है वो लोअर स्टेट है, और जैसे जैसे हीट देते जा रहे हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, और फिर हमने हीट दी तो वो गैस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो जैसे जैसे हम हीट देते जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होता जा रहा है? मैटर की हायर स्टेट्स आती जा रही है, ठीक है। तो गोया ये है कि सॉलिड से गैस तक पहुंचना, ये हायर स्टेट को हमारे पास शो करता है। इसकी हमारे पास जो है सॉलिड की सबसे लो काइनेटिक एनर्जी होती है, कम से कम हरकत कर सकता है। इसकी हमारे पास सॉलिड से लिक्विड की जो होती है वो हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, और गैस की हाईएस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं एच आई जी एच ई एस टी, हाईएस्ट हमारे पास जो है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, हरकत की कुवत सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे मूवमेंट की एबिलिटी उनमें बढ़ती जा रही है, तो एनर्जी उनकी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, इस तरह से वो हायर स्टेट की तरफ जा रहे हैं। अब हमने सेपरेट करना है सॉलिड्स को। बेसिकली हमारे पास ये है, हमने दो सॉलिड्स ले लिए, एक हमने जी अमोनियम क्लोराइड ले लिया और एक हमने जो है वो NaCl ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर हमने सबसे पहले चाइना डिश ली, उसके ऊपर हमने एक जो है इन्वर्टेड फनल रख दी है, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको कवर किया और नीचे से हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास दो सॉल्ट है, एक तो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ, और एक सोडियम क्लोराइड है। तो ये दो सॉल्ट हमने मिक्स कर लिए, ठीक है। अब क्या होता है, हम जैसे ही थोड़ी सी हीट देते हैं, चाइना डिश भी हमारे पास मौजूद है, बर्नर की मदद से हम इसको हीट देते हैं, तो हमारे पास ये जो फनल है इसमें क्या होता है, जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड होता है उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है और वो फौरन से सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, ठीक है, यानी कि अपनी गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। सॉलिड टू यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गैस, ठीक है, गैस में कन्वर्जन उसकी हो जाती है। ये बहुत ही थोड़ा टेम्परेचर देने पर उसकी जो है वो कन्वर्जन हो जाती है, वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड के साथ ऐसा नहीं होता। आप दो सॉल्ट देखें मिक्स किए हुए, अमोनियम क्लोराइड है हमारे पास और सोडियम क्लोराइड है, दोनों व्हाइट कलर के हैं, दोनों मिक्स हुए हैं। हम सेपरेट उसको हाथ से तो कर नहीं सकते, हम क्या करते हैं उसको इस चाइना डिश में रखते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो है ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ये नजर आ रहा है, ठीक है। वेपर्स इस तरह से बनते जाएंगे, वो गैस फॉर्म में चेंज होता रहेगा और ऊपर की तरफ जाता रहेगा, ठीक है। अब देखें वो गर्म है हमारे पास वेपर्स, ऊपर हमने कॉटन प्लग रखा हुआ है और ये वेट होता है हमारे पास सारा का सारा, ठीक है। इसको ठंडा किया होता है या कूल भी लिख सकते हैं इसको, हम कूल भी हमने कर सकते हैं या फिर हम वेट भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। गीला किया होता है ये कॉटन। इसकी क्या वजह है? जैसे ही हमारे पास ये वेपर्स इसके पास जाते हैं उनका टेम्परेचर ठंडा होता है और वो इस वॉल के साथ ना
हमारे पास व्हाइट कलर की अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमने क्या उसको प्रोवाइड की है, कूल कॉटन हमने उसको प्रोवाइड की है, ठंडी जो है वो उसको कॉटन अवेलेबल है, ठीक है। ऊपर उसने टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या कर दिया है, लो कर दिया है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी, टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर हमारे पास जो है वो हो गया है लो, ठीक है। टेम्परेचर के लिए मैंने TEMP लिखा है, बेसिकली हमारे पास उसकी जो टेम्परेचर है वो कम हो गया है। तो ये क्या होगा, वो गैस से हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट कलर का अमोनियम सोडियम क्लोराइड, सॉरी व्हाइट कलर का जो है वो हमारे पास सॉलिड बन जाएगा, कौन जी, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर मैं लिख दी NH4Cl, ठीक है। और पीछे जो हमारे पास, अब बेसिकली हमने इसका क्या क्या मिक्सचर हमने यूज किया था, हमने यूज किया था NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में हमने कंबाइन किया था किसको जी, हमने नमक को कंबाइन किया था, जो कि हमारे पास है NaCl, ठीक है, NaCl। अब इसको तो बहुत ज्यादा हीट चाहिए इवन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए भी, 801 डिग्री सी चाहिए, ठीक है। तो ये इजीली जल्दी कन्वर्ट हमारे पास वेपर्स में नहीं हो सकता, सेपरेट होना ये क्या होगा, मतलब कि इसके लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए। हाँ, लेकिन हम अमोनियम क्लोराइड को थोड़ी सी ही हीट देते हैं, वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है पहले, ठीक है, और फिर कॉटन जो हमने कूल रखी हुई होती है, वेट जो कॉटन रखी होती है, उसकी मदद से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से सोडियम सॉरी अमोनियम क्लोराइड सॉलिड जो है वो हमें कहाँ मिल जाता है, इस फनल की वॉल के ऊपर मिल जाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑन वॉल ऑफ वेट फनल, ठीक है, ऑन वॉल वॉल्स ऑफ, या अपर यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर वाली वॉल्स के ऊपर हमें मिल रहा है, अपर वॉल्स ऑफ फनल, ठीक है, जो हमने इन्वर्टेड फनल ऊपर रखी हुई है उल्टी करके, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें ये अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सोडियम क्लोराइड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे पास टेम्परेचर हमने इसको प्रोवाइड नहीं किया, तो सॉलिड फॉर्म में इधर ही रहेगा। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को हमने सेपरेट कर लिया। इसी तरह से हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और अगर हमारे पास अवेलेबल हो सैंड, उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सैंड का अगर हमारे पास मिक्सचर हो इस तरह से बना हुआ हो, तो उसको उसके मिक्सचर को भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, इस मिक्सचर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आयोडीन हो और सैंड हो, उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि हमारे पास सॉलिड से गैस में एकदम से जो है वो स्टेट आ जाती है, लिक्विड की स्टेट उसमें बहुत माइनर होती है, ना देखने के काबिल होती है, बिल्कुल नजर ही नहीं आती, बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, सॉलिड से वो गैस में हमारे पास जो है कन्वर्जन दे देता है, हायर स्टेट की तरफ चला जाता है हमारे पास जो भी मैटर होता है, तो इसको हम कहते हैं जी सब्लिमेशन। तो इस तरह से हमने देख लिया क्या है हमारे पास, सेपरेटिंग सॉलिड्स यूजिंग सब्लिमेशन।